नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो सीईटी मेंस एग्ज़ाम के अंदर फोर टाइम कैंडिडेट को बुलाने का जो एक पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो मामला एक बार फिर से माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया है। चार गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एक तरफ सरकार और आयोग अपने फैसले पर अडिग है, पॉलिसी पर अडिग है कि भाई मेरिट एडमिशन हम चार गुना से ज़्यादा को नहीं बुलाएंगे। दूसरी ओर लगातार याचिकाकर्ता माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस पॉलिसी को जो चैलेंज कर रहे हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों के लिए सीईटी पास चार गुना अभ्यर्थियों को ही स्क्रीनिंग टेस्ट प्रक्रिया में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को कौशल एवं लिखित परीक्षा में शामिल करने का कर्मचारी चयन आयोग का आदेश दिया, यानी कि प्रोविजनल बेसिस पे मेंस के अंदर भी ये कैंडिडेट बैठ सकेंगे। इस मामले में रोहतक निवासी देवेंद्र वैन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से भर्ती करने का निर्णय लिया था। इसके लिए पिछले साल परीक्षा आयोजित की गई थी और याची ने यह परीक्षा पास कर ली। ग्रुप सी में मेडिकल इंजीनियर, तकनीकी व कुछ विशेष योग्यता के पद होते हैं, लेकिन आयोग ने सीईटी के लिए कोई उचित पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया, जिसका नुकसान तकनीकी योग्यता के उम्मीदवारों को उठाना पड़ेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार कुछ दिन पहले कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि पदों की संख्या में केवल चार गुना उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि आयोग का यह फैसला अनुचित और असंवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना है। वही दूसरी ओर आयोग का कहना है कि भी जो फोर टाइम में कैंडिडेट आ रहे हैं एलिजिबल हैं, अभ्यर्थियों की मेल आईडी पर मोबाइल पर यह मैसेज भेजा जाएगा। हरियाणा में होने वाले ग्रुप सी की भर्ती के लिए चार गुना अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाने का को लेकर आयोग अब योग्य उम्मीदवारों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर मैसेज भेजेगा। जो एलिजिबल नहीं होंगे उनके पास जो है नॉट एलिजिबल का मैसेज आएगा। और पहली जो आपकी परीक्षाएँ हैं 1 और 2 जुलाई को होने जा रही हैं, जिसमें 12 समूह की स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी और इनके जो एडमिट कार्ड 28 जून से आएंगे। इसके बाद 8 और 9 जुलाई को आपके एग्ज़ाम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सीईटी क्वालिफाई को लेकर लगातार जो कैंडिडेट है हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करें उसको लेकर एक अपडेट थी आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।